मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज टाइम हो रहा है अभी 7 o'clock ऑलमोस्ट, पूरा पूरी 7 o'clock नहीं हुआ है, वही 6:45। और आज डे है फ्राइडे, तो मैं तो रेडी हूँ मैं ट्रैवल करने के लिए। आप लोगों को जैसे मैं बोली थी मेरा पिछले वाला ब्लॉग में, इस ब्लॉग में आप लोगों को मिलेगा कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, सबका आंसर, सब क्वेश्चन का आंसर आपको इस ब्लॉग में ज़रूर मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी तो मैं रेडी हूँ, एकदम पूरा ऑलमोस्ट हो गया है। और लेकिन एक गुड न्यूज़ नहीं है, एक बैड न्यूज़ ये है कि हम लोगों का जो फ्लाइट था ना, आज 7:15 में था सुबह का, तो लेकिन वो लेट हो गया, 3 आवर्स लेट है, वो 10:25 का टाइम हो गया है, तो इसलिए हम लोग जा भी रहे हैं लेट। नहीं तो हम लोगों का जाने का और भी जल्दी था, मतलब सुबह 4 बजे हम लोग निकलने वाले थे, तो फिलहाल अभी तो 7 बजने जा रहे हैं। अब हम लोगों का कैब भी ऑलमोस्ट आ ही गया है, और कॉल कर लिए थे बोलो, तो चलिए देखते हैं कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। अरे मैं कहीं पे जाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, क्योंकि सुबह का वेदर इतना अच्छा रहता है और बहुत फ्रेश टाइप का आपको फील होगा, क्योंकि सुबह में उतना पॉल्यूशन उतना ज़्यादा नहीं रहता है, तो इसलिए। तो चलिए देखते हैं। अभी हम लोग एयरपोर्ट में हैं, चेकिंग आप लोगों का हो चुका है, तो हम लोग अभी है ब्रेकफास्ट एरिया में, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मेरे अभी तो ऑलरेडी खाना स्टार्ट ही कर दिया है, इतना भूख लग गया है उनको, तो देखिए क्या खा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं लगेज लेने, तो आप लोग भी देखिए।
एंड मेरे साथ साथ सबको भी वेलकम टू कोलकाता। अभी हम लोगों का लगेज भी लेना सब कुछ हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं आपका कैब के लिए। तो बहुत तो खुश हुई मैं, क्योंकि ऑब्वियसली होम टाउन का एक अलग ही खुशी, अलग ही एक्साइटमेंट रहता ही है, राइट। तो आप कहीं पे भी रहो, कहीं पे भी कुछ, वो जगह कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपका होम टाउन में आप जब आएंगे तो उसका एक्साइटमेंट, उसका मज़ा कुछ दूसरा ही टाइप का होते हैं। और जब आप इतना दिन बाद होम टाउन में आते हो, मैं मीन आई कैंट एक्सप्लेन यू। अपने ससुराल में ऑलरेडी आ चुकी हूँ, अभी बहुत लेट हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 o'clock हो गया है। तो अभी और कुछ नहीं बोलूँगी मैं, बाद में मैं मेरा ससुराल घुमा के दिखाऊँगी। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करते रहिए। आज का वीडियो मैं यहाँ पे ही ख़त्म कर रही हूँ। और हाँ, मेरा चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है उसमें प्रेस करना मत भूलना, तभी आप लोगों के पास मेरा वीडियो सबसे पहले आ जाएगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और भी सपोर्ट चाहिए आप लोगों के पास से, तो टिल देन टाटा बाय बाय।